कोरल को बुलाना। थॉमस ने अगले प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, अगर इसे अच्छे तरीके से किया तो अपनी लाइफ सेटल। प्रोजेक्ट की वैल्यू भी ज़्यादा है और रिस्क भी। क्या वैल्यू है? 25 करोड़। कितना बोला? 25 करोड़। करीब 7वीं सेंचुरी में तमिलनाडु के राजा ने साउथ ईस्ट एशिया में बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था। वहीं के रीसेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सक्यूवेशन में उस राजा के डायमंड के गहने और महंगे पत्थरों को अपने यहाँ के बिग शॉट ने नीलामी में खरीद लिया, और अब वो बिग शॉट वो सारी चीजें गवर्नमेंट को देने के बारे में सोच रहा है। अब वो सारी चीजें यहाँ आने वाली हैं और गवर्नमेंट ने उन्हें हैदराबाद के सालकम म्यूजियम में रखने के बारे में डिसाइड किया है। लेकिन हमारे राज्य के लोग इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि वो सारी चीजें अपने ही म्यूजियम में रखी जाए। सो कमिंग 15th वो सारा माल फ्लाइट से लाया जाएगा, लेकिन यह पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए। असल में वो माल कंटेनर से हैदराबाद आने वाला है। माल कुमड़ी पुंडी टाड़ा के रास्ते से लेकर आने वाले हैं। गाड़ी के टाड़ा एरिया पार करने से पहले ही उन स्टोन्स को हमें उड़ा लेना है। वो लोग कमीशन खा के परमिशन दे देते हैं जो पूरी तरह से इलीगल है। गाँव गाँव में इंडस्ट्रीज खोल करके पूरे देश को पॉल्यूटेड कर रखा है इन लोगों ने। यहाँ जो बात हो रही है उससे तेरी बातों का कोई मतलब नहीं है। मतलब ना हो तो भी मतलब निकाल कर दिखाएगा राज। तो क्या उन लोगों को सुधारना चाहते हो? नहीं, लूटना चाहता हूँ। भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं? घुमड़ी पुंडी पार करेगा तो पूरी इंडस्ट्रीज है। वहाँ पे इतना स्मोक होता है कि उसकी वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता, और इस महीने में फॉग भी ज्यादा होती है। सो स्मॉग ज्यादा होने की वजह से सामने की गाड़ी भी साफ नहीं दिखाई देती। स्मॉग मतलब फॉग का धुआं। स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू small। राज भाई रेडी रहना, गाड़ी पहुंचने ही वाली है। नेपाली अलर्ट रहना, वो नजदीक आ रहे हैं। रेडी हुई शिवा? राज भाई नेपाली सर सिग्नल कट हो गया सर। हाँ सर कट हो गया सर, कट हो गया सर। चेक पोस्ट ऑफिसर, इज एवरीथिंग ओके? सिग्नल कट हो गया है। यहाँ भी सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा। यहाँ कोहरा भी बहुत ज्यादा है। एनी प्रॉब्लम देयर? ड्राइवर लाइन पर आओ। कंटेनर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे तो उन्हें हैंडल करना होगा। भाई रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगाकर अगर नाक पर लगाएंगे तो बेहोश नहीं हो जाएंगे? ये तेरा रुमाल है क्या? हाँ। फिर क्लोरोफॉर्म की जरूरत नहीं है, ऐसे सुंगाएगा तो भी लोग मर जाएंगे। ये कोई टेक्निक है क्या? मैं जो बता रहा हूँ दूसरी टेक्निक है। क्या भाई आप भी ना ये कलर से खेल रहे हैं। ऐसे बस एक टेस्ट ट्यूब ज्यादा नहीं मांगता जेंटलमैन, एक बूंद काम हो गया, रास्ता साफ। कंटेनर में जो जीपीएस सिस्टम लगा है उसे पहले हटाना होगा। कोरल ये काम तेरा है। पहले आने वाला सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जाने के बाद पीछे कंटेनर नहीं आया सोचकर पीछे आएगा, तभी उन्हें पीछे से ब्लॉक करना होगा। कंटेनर कहाँ है? कंटेनर पर सीसीटीवी जाम हो गया है, जीपीएस सिस्टम लोकेट नहीं हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम है लगता है। मालूम नहीं सर, मशीन में कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। लगता है हमें पीछे जाकर वापस देखना पड़ेगा सर। ओके, स्टे कनेक्टेड, जल्दी जाकर देखो। ठीक है सर। जीपीएस सिग्नल क्लियर रिसीव हो रहा है, कंटेनर तुम्हारे पास ही आ रहा है। सर, गाड़ी के टायर में आग लग गई है सर। सर, वी नीड बैकअप सर। ओके, कंट्रोल रूम को मैं इन्फॉर्म करता हूँ। कंटेनर बहुत नजदीक आ रहा है सर। सर, ये बॉम्ब भी हो सकता है, चलिए निकलते हैं। चलो जल्दी। सब मैं जानता हूं। सॉरी, रॉन्ग टेबल। थोड़ा नशा ज्यादा हो गया लगता है। सीओ कौन है ये? पुलिस है, प्रेस है, या फिर ड्रिंक्स पीने वाला है? यहाँ पर वीडियो भी चालू है। अब हम सबके सब फंस चुके हैं। इसके लिए वो हम पर केस भी कर सकता है। अभी तक तो हमें जेल में होना चाहिए था। मुझे लगता है उसके 60-40 डील को मान लेना चाहिए था। भाई, वो बहुत शातिर दिमाग वाला है। वो अपने काम के लिए हमें यूज कर लेगा और फिर बाद में हमें अपना पुलिस का दिमाग दिखा देगा। ये सब सोचकर ही डर लगता है। अब करना क्या चाहिए? You have any better option? ये दुनिया इस अंधेरे में भी चल रही है। हमें भी उसके साथ ही चलना होगा, लेकिन दाग ना लगे इसका ध्यान रखना होगा। दारू भी पियो, नशा भी ना चढ़े, ऐसे कैसे? चेन्नई की अब तक की सबसे बड़ी लूट, वो कीमती जेवर और पत्थर जिसे सरकार म्यूजियम में रखना चाहती थी, उसे लूट लिया गया है और इस लूट को अंजाम देने वाले अब तक पकड़े नहीं गए। मैं जाकर थॉमस से मिलकर आता हूँ। वाह, ओ, ये तेरा शहर। हाँ, सब सेफली पूरी तैयारी के साथ सबके सब मिलकर कोयम्बतूर आ जाना। हाँ, बोलना मत कोयम्बतूर, बोलना मत, सबको आना है। रिया, गाड़ी रोको। ज्यादा बियर मत पियो, पहले ही कहा था। अब देखो बार बार बाथरूम के लिए उतर रहा है। शिवा, क्या बात है? शिवा, क्या हुआ? अपना फोन दो। क्यों स्विच ऑफ कर रहे हो? हम में से कोई थॉमस से मिलने नहीं जा रहा है। क्या कहा? मिलने नहीं जा रहे हैं? क्यों? क्यों चिल्ला रहा है? अभी जाकर थॉमस को शेयर किसने दिया? हाँ, तुमने। लेकिन उसने हम सबको बुलाया है, इसका मतलब क्या है? हे, बिना दिमाग की बात मत कर। नहीं गए तो वो अपने को डाल देगा। अबे जाएंगे तो भी वो डाल देगा। और वो वीडियो? थॉमस को स्टोन्स मिलने तक वो हमें कुछ नहीं करेगा। नहीं करेगा? वो हमें चुपचाप छोड़ देगा? हमें ढूंढ रहा होगा तो। अरे तुम लोग तो चूहे बिल्ली की तरह झगड़ा कर रहे हो यार। ये रोड है, तुम्हारा घर नहीं। थोड़ा शांत रहो यार तुम लोग भी। अभी क्या प्लान है तेरा? पता नहीं, वो तो तेरे थोबड़े से ही पता चल रहा है। अभी से 2 दिनों के लिए हाइड आउट होना होगा। हाइड आउट? उसके लिए कहाँ जाएंगे हम? हाँ। किसी होटल में चलें क्या? इनको तो होटल के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। इससे काम नहीं होगा। तो तेरे दिमाग में है तो बोलना कहाँ जाना। जगह ऐसी हो किसी को पता ना चले। जहाँ किसी को पता ना चले ना, तो फिर जंगल के बीच में चलते हैं, क्या बोलता है? भाई अभी क्या बोला आपने? मैंने जंगल बोला, वो होटल बोल रही है, तू शमशान बोलेगा क्या? अरे वो नहीं। शिवा, मेरे गांव के बगल में एक बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ चले। तेरा गांव है कौन सा? मेरा गांव येलगिरी। वहाँ एनआरआई का घर है, उसमें ताला लगा रहता है, वहीं चलते हैं हम लोग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? बिल्कुल सेफ है। क्या बोलता है? बोलना मत, सबको आना है। चलो 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 चलो। भूख लग रही है। शिवा, लेफ्ट में एक बैंक आने वाला है, वहाँ रोक लेना। जो चाहिए वो ले लेंगे, उसके बाद दुकान नहीं मिलेगी। रिया, डीजल डलवाना है। अपना वाला पेट्रोल है? वो पहले से अपनी कार में है। गुड। तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। आज की ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ा बिजनेसमैन जो गवर्नमेंट को हीरे, जवाहरात और कीमती पत्थर सौंपने वाला था, उन जवाहरात और कीमती पत्थर को हैदराबाद ले जाते समय कुछ अनजान लोगों ने लूट लिया। पुलिस उन लोगों की तलाश में जुट चुकी है। तुम्हें चाहिए? 36, 28, 36। पीछे से इतनी खूबसूरत दिख रही है तो आगे से कैसी होगी? मोबाइल नंबर ले लेते हैं। कितने सुंदर हैं इसके बाल। माय गॉड। एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? व्हाई नॉट? शाहरुख की फिल्म का सीडी खरीद कर दोगे क्या? अब शाहरुख की नहीं, भूतों की दे दूं क्या? मुझे फिल्में देखने का शौक नहीं मैडम, आप खुद ही ले लो जो लेना है। ये लो, इसका भी बिल जोड़ दो इसे में। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। शुक्र मनाओ कि हार्ट अटैक आने से बच गया। पैकिंग देखकर मैंने सोचा कि थोड़ा हाथ मार लूं, बट डिफेक्टेड पीस था। बात करने से पहले देख तो लेते। पीछे से गाड़ी एकदम अच्छी थी, बट आगे से ठुकी हुई थी। समझाओ ना इसे कोई। जाने यार, हर चीज देख के करेंगे तो हमारा इसके जैसा ही हाल होगा। नेपाली बुला रहा है वो। क्या हुआ शिवा? कैसे जाना है बोलना। राइट में चलो, देखते हुए स्लो चलाओ, रोड बहुत खराब है। हाँ, जैसे अभी तक बहुत अच्छी थी। पता नहीं खड़े खड़े क्या देख रहा है। अबे आके पप्पी लेगा क्या? जाना क्यों राज भाई? हाँ कैसा लगा घर? ये इस जंगल का नाम नीला थोट्टम है क्या? नहीं, नीला थोट्टम नाम का जंगल है। है तो मैं कुछ और बोल रहा हूँ क्या? अंधेरे में इसकी बत्ती गुल हो गई। भाई हाँ बहुत देर तक खड़े मत रहो। क्यों? पहना पैंट पहने हो, उसमें सांप वाप घुस जाएगा। अबे सांप पहले से घुसा हुआ है, मुझे मत समझा, जाए यहाँ से। मैं तुझे डरपोक दिख रहा हूँ क्या? वेरी गुड। ए नेपाली, क्या हुआ? आते वक्त कार की चाबी लेके आना। ओके ओके। यहाँ कनेक्शन है भी कि नहीं? देखना कहीं और स्विच है क्या? शिवा हाँ, यहाँ बिजली नहीं है, बगल में एक जनरेटर है, वहाँ अंडरग्राउंड है। क्या है भाई? तुम्हें वहाँ कुछ दिख रहा है क्या? एक चेयर दिख रही है। सिर्फ चेयर ही दिख रही है तुझे? अरे भाई चेयर ही तो दिख रही है। अरे अच्छे से देखना, सिर्फ चेयर ही दिख रही है क्या? बस एक खाली चेयर दिख रही है। आपको क्या दिख रहा है भाई? मुझे भी सिर्फ चेयर ही दिख रही है, तुझसे पूछ के कंफर्म कर रहा था। क्या भाई आप भी ना, गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? मेरे मुंह से कभी गाली निकल जाएगी। ठीक है चलो, चेयर ही है ना सिर्फ। इसमें तो डीजल ही नहीं है। डीजल कार की डिक्की में है। रुको मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। टॉर्च में डर गया ना भाई? तेरा चेहरा दीवार पे लटके हुए फोटो की तरह हो गया है। अरे गुड़िया बात कर रही थी, मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था। तू भी कैसी हरकत करता है? अबे गुड़िया से डर गया ब्लडी फूल। अच्छा ये बता यहाँ क्यों आया? जनरेटर के डीजल के लिए, कार के पास जा रहा हूँ। ठीक है जा, लेकिन डर मत है, आराम से आराम से। कार के डिक्की में डीजल है, साथ में दारू भी लेके आना। हाँ अच्छा तू रहने दे, बहुत डर गया है। चाबी दे, मैं जा करके लेकर के आता हूँ। कोई बात नहीं मैं जाकर आता हूँ। अबे गुड़िया देख के कोई डरता है क्या? मुझे चाबी दे, मैं लेकर आता हूँ। देना डरपोक कहीं का, जो डर गया समझो मर गया। कमाल है, छोटी छोटी बात पर आजकल के लड़के लोग डर जाते हैं। मुझे देखो कितना हिम्मती हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड, एवरीबॉडी आई एम नॉट, आई एम अ बिट अफ्रेड, आई एम अ बिट अफ्रेड, आई एम अ बिट अफ्रेड। तुम्हें जाकर लाने को बोला था ना, उस आदमी को क्यों भेजा? क्यों चिल्ला रहा है? मैं लेकर नहीं आ सकता क्या भाई? वो कहन देना। क्यों भड़क रहा है तू भाई? अरे चुप रहो यार। अरे सीधा सीधा बोल, मुझे तेरी बात समझ में नहीं आ रही है। क्या शिवा, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। इस अंधेरे में कैसे रहेंगे हम? रुको देखते हैं, जरा फिर से करना। इससे अच्छा तो होटल में ठहर जाते और कहाँ जाते, थॉमस के घर जाते। हाँ? हाँ? मेरे साथ वहां चलो, देखो ना वहां क्या है। ए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? रुक रुक, आप बाहर आने के लिए तड़प रहे थे इसलिए मैंने खींचा। अरे यार वो उधर खींच रहा है, तू इधर खींच रहा है, आखिर मैं जाऊं कहाँ? मेरे पास। ए जाना, जा जा, तू इधर आ जा। क्या जाना? ओ, कमर की बैंड बज गई। कैसा घर है यार, ये तो भूत बंगला लग रहा है। क्या भाई, आते ही पेंटिंग देखनी शुरू कर दी? इस घर का मालिक लगता है कला का बहुत बड़ा पुजारी था। तो भाई इस पेंटिंग वाली लड़की का नाम कला है क्या? तेरी कला के बारे में सोचता हूं तो मेरा कलेजा हिल जाता है। क्या भाई? इतने गंदे तरीके से देख रहे हो। छी अबे उल्लू, पेंटिंग जो करता है ना उसका नाम किनारे में लिखा रहता है, वही देख रहा था मैं। लिखा है क्या? इसने पैर के नीचे छुपा लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। इतनी परेशान क्यों हो? कितने दिनों तक ऐसे भागते रहेंगे शिवा? ये सब पूरा हो जाए उसके बाद मैं वादा करता हूँ हम फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। राज भाई आप भी ना। मैं आ गया मैंने बोला, मैं वापस आ गया मैंने बोला, आधे घंटे पहले फोन करके मैंने बोला कि मैं वापस आ गया। ए, कह रहा आ गया। क्यों जान खा रहा है यार, क्या चाहिए तुझे? अरे कुछ नहीं यार, दम और चिप्स यहाँ रह गया, उठा कर दे यार। चलो निकलो। शिवा हम लोगों ने ले लिया है, तुम्हें कुछ साइड डिश चाहिए? साइड डिश? जिसके पास मेन डिश हो वो साइड डिश क्या करेगा? चल ले जा यार, चल। हे, अरे वो कोरल कहाँ जा रहा है? लगता है हॉलीवुड की हीरोइन को देखा होगा तभी ऐसे जा रहा है। अरे सामने आके खड़ी हो गई ना तो उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, जाके ले आओ उसे। हे, उस तरफ कहाँ जा रहा है तू? ए सुन, उस तरफ नहीं जाना है, समझा? समझ गया ना? नीचे उतरो। हे, नीचे जाना यार, समझ में नहीं आता। जा। हाँ। आवारा हूँ वो मुकद्दर का सिकंदर तेरे जैसे यार। ये क्या है, आप अलग अलग गाना गाए जा रहे हैं। अब वो क्या है ना कि रात में मेरे अंदर रेडियो का भूत आ जाता है, तो उसके चैनल के साथ साथ मेरा मूड भी बदलता रहता है और कुछ नहीं। मूड? हाँ। तो क्या है, अगर अचानक थॉमस आ गया ना तो फिर मूड का क्या होगा? है थॉमस तुर्रम खान है क्या? कहाँ है? उसे आने के लिए बोल। यहाँ है क्या? उधर है क्या? नीचे है क्या? ऊपर है क्या? है किधर है? बोल। अंदर है क्या? है अंदर है, देखता हूँ मैं अभी से। क्या हुआ? थॉमस है क्या? थॉमस नहीं यार, तमिलनाडु का फेमस। आजा मेरे भाई, यही अपना असली माल। क्या बात है। अपने पास सिर्फ दो ही फूल था, कैसे चलेगा यही समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल सेफ हो गया। नेपाली, कभी भैंसे को पानी पीते हुए देखा है क्या? नहीं। तो फिर देख ले अभी। अरे बाप रे, इतनी ठंडी में आधा ड्रेस पहनकर आ गया हूँ मैं। ठंड में कॉटन और स्वेटर का इंतजाम हो जाए तो समझो सारा काम हो गया। जाऊँ पहले बदल के आ जाऊँ। बाप रे भगवान, एक तो ठंड ऊपर से ड्रिंक, बार बार यूरिन तो आएगी ही आएगी। आवाज कैसी है? कैसी आवाज है ये? ए, 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 नेपाली उठना। क्या हुआ? क्या हुआ? हा? क्या हुआ तुम्हें? अरे क्या हुआ तुझे? बोल। ए, क्या हुआ बोलो? मैंने पैक बना कर दिया था, उसकी वजह से तो नहीं हुआ इसे। उधर से किसी ने धक्का दिया इसे। अरे बाप रे, भगवान का शुक्र है कि बच गया बेचारा। ए, तुम ठीक तो हो ना? चल कोई बात नहीं, चल चलो चलो, संभल के चल, चलो चलो जाओ। क्या हुआ भाई? पीने के बाद चुपचाप रूम में रहने के लिए बोला था ना, इधर उधर क्यों भटक रहे हो? क्या कहा पीकर? क्या राज भाई, मैंने कितनी बार कहा है कि इसे पिलाया मत कीजिए। मैंने थोड़ी पिलाया था, खुद ही पीता जा रहा था वो। अब कौन समझाए इस गधे को? क्या कहा? अरे कुछ नहीं, इसके सर पे चोट लगी है, जरा देखो। मुझे एक मिनट भी सुकून से जीने दोगे? एक मिनट में दोनों कैसे सुकून से रहेंगे? आप लोगों को नींद नहीं आती क्या? कल दोपहर के बाद वाइन शॉप खुलेगी, ये सोच करके हमारी नींद गायब हो गई है भाई, हम क्या करें? Hey, एक आइडिया, क्या फायर करते हैं? अरे ये सब नहीं अभी। गुड गुड, चलो चुप ना। यो यो यो, तू जाके ड्रिंक्स लेके आ, मैं जाके कैंप फायर चलाता हूँ। या ओए पागल, इतना लेट क्यों कर रही है? मैं जाकर देखता हूँ। Are you okay? लेट होने से टेंशन हो रहा है यार। आ! आ! अच्छा हुआ, मैं डर गया, किसी ने देखा नहीं। हैं? ए नेपाली, यहाँ क्या कर रहा है भाई? मैंने तुझे ड्रिंक्स लाने के लिए बोला था ना, ऐसे क्यों खड़ा है वहां? ए नेपाली, मैंने तुझसे जो बोला था वो यहाँ पड़ी है, तो तू उस रूम में क्या कर रहा था? हाँ? क्यों खुजली हो रही क्या? ए भाई दम लेने गया था। दम क्या है, मैं एक पैक पर एक दम भी मारता हूँ, तुझे पता है, इसलिए ले आया ना। भाई आपको ज्यादा दम मार रहे हैं। तो क्या करूं मैं? अगर हम दम मारना बंद कर देंगे तो दम बनाने वाली सारी फैक्ट्रियां अपने आप बंद हो जाएंगी, तो उससे जुड़े हुए सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब बेरोजगार हो जाएंगे तो बेचारे खाएंगे क्या? सोशल सर्विस। ये भी ना। ए, स्माइल करो ना, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठे हो? ए रिया, ये तो ऐसे बैठे जैसे भूत पकड़ लिया हो। ए भाई, भूत भूत कुछ नहीं होता। अरे बाप रे, बहुत चढ़ गई है। हम लोग तो अंदर जा रहे हैं, बाहर तू जल के क्या करेगा? अभी बुझा देता हूँ। चंदा मामा गुड नाइट। क्या ज़माना आ गया है, कोई रिप्लाई भी नहीं करता आजकल। आज के बाद से मैं किसी को गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं। बुझा दी थी, फिर जल कैसे गई? क्या हुआ भाई, अकेले बड़बड़ा रहे? नहीं यार, वो बाहर अरे ये अरे 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 आग लग गई है इस तरफ। अरे हटो हटो, अरे बाप रे। भाई क्या हो गया? बाहर से कुछ खा कर आया है, मुझे धक्का क्यों मारा? अरे वो इधर आग लग गई थी, वो इसलिए। क्या भाई, मुझे डराने की आदत हो गई आपको? हाँ देखिए, सब कुछ गिर गया, आप भी ना। चलिए अब चलते हैं। अरे वो इधर बहुत जोर से आग, जाने क्या खा कर आए हैं। उधर चलिए, अब चलिए। बिना मतलब इधर उधर भटकना मत, चुपचाप सो जाओ, समझ गए ना? पता नहीं इसे कब तक झेलना होगा। राज भाई आप सोए नहीं? घड़ी कहाँ रह गई मेरी? ए ए ए नेपाली, टाइम कितना हुआ? हा? हम लोग यहाँ पे कब आए थे? भाई हम लोग यहाँ 3 बजे आए थे। इतना टाइम हो गया हम लोगों को यहाँ आए? क्या बात है, पहले से ही फुल हो गया है क्या तुम्हें? 4-5 घंटे हो गए यहाँ पर आए हमें। भाई एक बार बाहर देखिए, अभी तक सुबह भी नहीं हुई है। क्यों ये उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? जाकर सोते क्यों नहीं? वो मोबाइल में देखना कितना टाइम हुआ। सारे मोबाइल तो स्विच ऑफ कर दिए हैं ना यार। वो मोबाइल हाथ में रख के उसे फ्लाइट मोड पे करके नहीं रख सकते क्या? काम चल जाता उससे भी तो है? वो हमारे पर विश्वास कहाँ करता है? आपको बोलता हूँ तो आप भी नहीं सुनते, जाकर सोइए। वो क्या ना, बहुत स्मार्ट समझता है अपने आप को। यार हम लोग की कोई बात ही नहीं सुनता, ऐसे थोड़े होता है दोस्ती में, सुननी चाहिए। शिवा, वो आराम से सो रहा होगा। कितने सवाल करता है ये आदमी, समझ में नहीं आ रहा। तो ए, क्या है यार ये? वो बकबक करके मार रहा है और तू है कि बिना बोले मुझे मारे जा रहा है। ये भगवान। अभी दरवाजा ठोकूंगा तो कुत्ते के जैसा चिल्लाएगा। मैं खुद ही जाके गाड़ी से अपना मोबाइल लाता हूँ। ये यहाँ कैसे आ गया? कोई भी फोन ऑन नहीं हो रहा यार। आते वक्त कार की चाबी लेके आना। मुझे गुमराह कर रहा है क्या नेपाली? लगता है थॉमस का खौफ खत्म हो गया है। लगता है तेरा भी ऊपर का टिकट काटना पड़ेगा। नहीं थॉमस, तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था बस। तो बात करनी चाहिए थी ना, इतने टाइम क्या झक मार रहा था? उन चारों का जो हश्र होगा वो किसी को पता भी नहीं चलेगा। थॉमस कौन है ये वो लोग नहीं जानते, लेकिन तुम तो जानते हो ना। थॉमस, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। शिवा ने होशियारी से प्लान ही बदल दिया है। प्लान बदल दिया? तुमने सबको वहाँ जाने को कहा था ना, सब लोगों को साथ लेकर। उसने ये सब सारा प्लान ही बदल दिया है। उसने बदल दिया या तुमने बदलवाया? तुम दोनों कहीं भागने का प्लान तो नहीं कर रहे हो? गलती से ऐसा सोचना भी मत। थॉमस, मैं जो बोल रहा हूँ सुन रहे हो ना? क्या 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 बोल रहे हैं नेपाली? थॉमस प्लीज, थॉमस मेरी बात तो समझो। शिवा ने ड्राइवर के साथ भागने का प्लान बनाया था। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। एक ही रास्ता था, सबको किसी तरह मैं अपनी जगह पर ले आया हूँ। अपनी जगह पे? कहाँ? नीला थोट्टम में। थॉमस उधर क्यों लेके गया? थॉमस, थॉमस, हेलो थॉमस। दिमाग खराब हो रहा है। अपन बाहर राउंड लगा के आता है। कौन है? शिवा, 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 ये बेड हिल रहा है, शायद नीचे से कोई हिला रहा है, देखो ना प्लीज। शिवा, 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 शिवा बेड हिल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है शिवा, शिवा। प्रिया, शिवा, सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। शिवा, नेपाली, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? मुझे बहुत डर लग रहा है शिवा। क्या हुआ, कुछ बोलेगा तो? वो मुझे मार डालेगा क्या? शिवा उठाओ इसे, उठाओ शिवा, अच्छा संभाल कर, चलो। क्या हुआ यहाँ पर? सारे गांव में उजाला, सिर्फ इस घर में अंधेरा है। मैंने खुद देखा है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बाहर से जब देख रहा था तभी यहाँ पे अंधेरा ही था। हम लोग कहीं गलत जगह आ गए हैं। शिवा, शिवा हम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे। शिवा कुछ तो बोलो। ये आवाज कैसी है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन? कहाँ है सब लोग? सुनो कुछ तो बोलो। शिवा कहाँ है? हम लोग नहीं बचने वाले हैं। शिवा इस तरफ। शिवा, 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 शिवा इस तरफ। राज भाई नाइट विजन इस तरफ फेंकना। नाइट विजन इस तरफ कहाँ है? वो गले में है आपके। अरे हाँ यहाँ पे, यहाँ पे हाँ। ये लो। डरो मत रिया, मैं हूँ। शिवा, शिवा जल्दी करो। शिवा मुझे बहुत डर लग रहा है। लाइटर जलाओ। अरे लाइटर नहीं जल रही है। कोशिश करो जल जाएगा। शिवा जल्दी करो। शिवा अरे सुनो तुम्हारे पास भी है ना, जरा उसे ट्राई करो। ए, अरे जल्दी करो यार, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? करो जल्दी करो। इनमें से तो कोई भी काम नहीं कर रहा है। प्लीज जल्दी करो प्लीज। रिया उठो प्लीज। शिवा, शिवा क्या कहा? ना सुना? बाहर उजाला है। हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, बाहर उजाला है। पहले कहा था कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से निकल जाते हैं। शिवा प्लीज, शिवा प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले चलो जल्दी। कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलते हैं। वो कोरल कहाँ? कोरल, अरे कोरल कहाँ चला गया राज भाई? वो तो इस रूम में था, उधर वहां पे। पूछ रहा था भूत होता है या नहीं। कितनी बुरी मौत मारा है इसको। मैंने बोला तो होगा तो अच्छे से रहे। हम लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान। कोरल अंदर नहीं है। हाँ वो अंदर नहीं है। कहाँ है वो? अंदर नहीं है। अंदर ही तो था, फिर कहाँ होगा मुझे क्या मालूम। शिवा उधर से कोई आवाज आ रही है। उधर से आवाज आ रही है। तुम आगे चलो, आगे चलो, चलो आगे तुम। क्या हो रही है? क्या ये सब? मेरे कमरे में बैठकर किसके साथ बॉल खेल रहा है? कोई दिख भी नहीं रहा यार। दरवाजा, हे भगवान ये क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों बंद हो गया? जैसे हो बॉल हवा में लटक रही है वैसा ही अपने साथ भी होने वाला है। हे भगवान कहाँ जाऊँ? फोन थॉमस का फोन है। अटेंड करो जल्दी। हेलो। अब क्या करता हूँ देख, मेरे साथ ही चाल चल रहा है। थॉमस क्या सोच के फोन स्विच ऑफ किया? हाँ? सुरेश नेपाली कहाँ है? यहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। नेपाली मर गया थॉमस। थॉमस, मैं नेपाली बोल रहा हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे भी यहाँ लॉक कर दिया है, फौरन यहाँ पर आ जाओ। नेपाली बात कर रहा था, फिर शिवा ने जो कहा वो अगर नेपाली मर गया है तो वो मुझसे बात कैसे कर सकता है। फिर शिवा ने नेपाली के मरने की झूठी बात क्यों कही? हाँ, मतलब नेपाली मरा नहीं है। नेपाली को अगर लॉक कर दिया है तो फिर वो शिवा के फोन से कैसे फोन कर सकता है? कहीं ये मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा। नीला थोट्टम नीला थोट्टम। तुम बहुत बड़े हादसे का शिकार होने वाले हो। प्रोफेसर यहाँ घूम रहा है। मैंने उससे पूछा तो मुझे बता रहा है कि इस घर में कोई प्रॉब्लम है। क्या घर में प्रॉब्लम? हाँ। जरा फोन उसे दो। ओके सर। ये घर आपका है? जी हाँ, मेरा ही है। इस घर में क्या किया आपने? क्या किया मतलब? तुम बहुत बड़े हादसे का शिकार होने वाले हो। हे, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें जिस आदमी ने फोन दिया ना, उसे वापस दो। सर, क्या उटपटांग बात कर रही है? दिखने में कैसा है? 50-55 साल का होगा सर। उसने जीन्स पहनी हुई है। वेरी गुड, सुपर्ब। और बता, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे। तेरी तो बेवकूफ, इतना पता कि वो डिपार्टमेंट का है या प्रेस का? वो कैसे पता चलेगा? बता रहा है वो भूत भगाता है। भूत भगाने वाला? ठीक है, उससे वहाँ से जाने को कह दे और जाके पहले घर साफ कर। ओके सर। नहीं, अभी रहने दे, रात को जाकर साफ करना। ओके, ठीक है सर। सर, मैं थॉमस हूँ। आपने जिस घर को देखा था वो मेरा था। आपसे उस दिन फोन पे बात भी तो हुई थी। मैं बकवास करता हूँ और मुझसे मिलने इतनी दूर आए हो। असल में मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस मैटर है। एक रिसर्च के लिए उधर गया था मैं। जब मैं तुम्हारे घर के गेट के अंदर गया तो मेरी एनर्जी का मीटर बहुत ज्यादा गर्म हो गया। वहां मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अंदर जो आत्माएं हैं उनकी शक्ति बहुत ज्यादा है। उनकी ताकत से ही दिन में अंधेरा हो जाता है। अगर वो बाहर आते तो कोई समस्या खड़ी कर सकते थे। इसलिए उन्हें बाहर आने से रोकने के लिए मैंने वहां पर कुछ प्रोसीजर शुरू कर दिए। तब तक तुम्हारे लोग वहां पहुंच गए और तुम्हें फोन भी किया उन्होंने। मैं तुम्हें बेवजह क्यों फोन करूंगा यही सोच रहे हो ना? मैं बेवजह किसी की जिंदगी में दखल नहीं देता। भटकती हुई आत्माओं को शांत करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। अब जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करना हो तो क्या करना होगा सर? वहाँ जो कुछ हुआ, तुमने वहाँ जो कुछ भी किया, मुझे सच सच बताओ। अगर मंजिल का पता मुझे हो तभी तो मैं रास्ता बता पाऊंगा ना? बताओ। हाँ, लेकिन वो मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुमने ज़रूर कोई बुरा काम किया है वहाँ। मुझसे अगर नहीं छुपाओगे तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। मैं बेलूर का इंस्पेक्टर हूँ और यार मैं बहुत तकलीफ में हूँ। कैसे बताऊँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुरेश, तेरे कहने से ही मैं उस थॉमस से मिला। कितना लालची हूँ मैं। पैसे की लालच में आके मैंने बहुत गलत काम किया। उसने मेरे बीवी के साथ भी, मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया। मुझे भगवान माफ नहीं करेगा। अब उसे मारकर मैं भी मरने जा रहा हूँ। उस पापी इंसान को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। यार वो कमीना थॉमस स्मगलिंग, ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन, वो सब कुछ मेरे नाम से ही हमेशा करता है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स और सारे एविडेंस और वीडियो भी मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। परेशान मत हो, इसमें तुम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं है। उसे यूनिफॉर्म पहन के बाहर घूमने के लायक नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे साथ हुआ है, कल तुम्हारे भी साथ हो सकता है। तुम उसे छोड़ के अलग हो जाओ। सुरेश, ये वीडियो जहाँ पहुँचने चाहिए वहाँ पहुँचा देना यार। क्या भाई, इसे टपका दिया? इस लड़के को डिस्पोज कर दो। ठीक है। और उसे वहीं रहने दो। ओके। कोई भी एविडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहीं कहीं आस पास मत फेंक देना। कहीं दूर जंगल में जाके फेंक देना। ठीक है, ठीक है। और हाँ, मोबाइल से वीडियो डिलीट कर देना। हाँ, ठीक है। पकड़ो वहाँ से। सर, रिटायर्ड ऑफिसर रंगराजन आपसे मिलने आए हैं सर। वो यहाँ क्यों आए हैं? ठीक है, उन्हें भेज दो। जी सर। हेलो थॉमस। हेलो सर, प्लीज। हेलो। कैसे हैं सर? यस मिस्टर थॉमस, आप कैसे हैं? आई एम फाइन सर। ये है मेरी बेटी तुलसी, फाइनल ईयर में है, बीएससी टेक्नोलॉजी से। सर, इसके इंटर्नशिप के बारे में बात करने आया हूँ मैं। बस एक फ़ोन कर देते तो। नहीं थॉमस, मैं आपसे मिलकर इस बारे में डायरेक्ट बात करना चाहता था। आप कभी भी ज्वाइन कर सकती हैं। यू कैन इवन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू थॉमस कि आपने मुझे इतना समय दिया। नो प्रॉब्लम सर, आई विल टेक केयर ऑफ हर। श्योर सर। चलें बेटी? ओके। सर नमस्ते सर, कुमार कॉलोनी के तीसरी गली में रहता हूँ सर। सुबह से ही बगल वाले घर से बदबू आ रही है, वहाँ कौन आता जाता है ये कुछ पता नहीं सर, लेकिन जब उसके घर में झांक के देखा तो उस घर में कोई मरा पड़ा है सर। ए, कहाँ बताया? कुमार कॉलोनी में तीसरी गली सर। सुनो, यहाँ कोई एविडेंस मिले तो बताना। ओके सर। हेलो। हाँ भाई, सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ? ए, उधर जाके देखो, तुम भी जाओ। हाँ बोलो, सब सेट कर दिया ना? हाँ मैंने सब सेट कर दिया है। हाँ अच्छा ठीक है। क्या बात है, नया नंबर से फ़ोन कर रहा है? कोई खास बात नहीं है, मेरा फ़ोन कहीं मिस हो गया है, सब जगह ढूंढा कहीं मिला नहीं। सोच रहा हूँ कि एक बार वहाँ रूम में देख लूँ। ये फ़ोन यहाँ कैसे आया? तेरा दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? अभी बता रहा है, ये काम ठीक से नहीं कर सकते। फोन को संभाल के रखना नहीं आता क्या? किसी काम का नहीं है तू। चल फोन रख अभी। कुमार। हाँ सर। यहाँ कोई फोन मिला क्या? कोई मोबाइल नहीं मिला सर। धीरे से बोल। मोबाइल नहीं मिला सर, अभी खोजबीन चल रही है। और कोई एविडेंस मिला क्या तुम्हें? सर जमीन पर कुछ नेल मार्क्स मिले हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला सर। गुड। अच्छा ये बताओ कि इस औरत का कोई सेल फोन वगैरह यहाँ मिला? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं मिला। फोन में तो कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुन, वेलोर के टाउन इंस्पेक्टर थॉमस से मेरी मुलाकात हुई थी। जब भी वो मुझे छोटा बड़ा काम बताते थे वो मैं करता था। ब्लैक मनी का धंधा वो ऑडिटर जगदीश के साथ मिलकर करता था। कहीं वो पकड़ा ना जाए इस डर से थॉमस ने ऑडिटर जगदीश को मार डाला। उसके बाद उसने उसकी मौत को एक्सीडेंट में तब्दील कर दिया। उस केस को वही देख रहा था, इसीलिए उसने केस को इजीली बंद कर दिया। वो इतना दरिंदा आदमी होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब तो पता चल गया ना, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। नहीं भाई, जब मैं पहुँचा तो वो हंसते हुए टीवी देख रही थी, लेकिन जब मैं उसके नज़दीक पहुँचा तो वो उठकर चली गई। मुझे लगता है कि फ़ोन उसे ही मिला है। फोन? फ़ोन अगर उसे मिल भी गया तो क्या डिलीट तो कर ही दिया। हाँ, फिर वो उसे कैसे देख पाएगी? डिलीट होने के बाद वो कैसे देख पाएगी, कैसे देख पाएगी, कैसे देख पाएगी? रिकवरी 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 रिकवरी। एक फोन संभाल के नहीं रख सकता तू। अगर उसने रिकवरी किया होगा तो सारा राज पता चल जाएगा। तो फिर वो कैसे हंसेगी? हाँ कैसे हंसेगी? हाँ, अगर उसने वीडियो देखा होगा तो वो किसे बता सकती है? कौन हो सकता है वो? हेलो, सत्यमूर्ति सर हैं क्या? मैं रंगराजन। वो अपने बाप को बता सकती है। हाँ, ज़रूर अपने बाप को ही बताया होगा। अब वो क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? सर। ए जानवी, निकल रही हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। कौन है ये? ये क्या हुआ? पंचर हो गया सर, रुकिए मैं टायर चेंज करता हूँ। क्या हुआ पापा? पंचर हुआ है। ओह, मैंने बोला था ना कि इस रूट से मत आना। ये शॉर्टकट है सर। ठीक है, जल्दी करो। हे अच्छा, बाथरूम जाना है? आजा आजा आजा। इसे पकड़ो, शाबाश। सर चले। ये तुलसी कहाँ चली गई? सर वो तो यही कहीं फोटो खींच रही थी। अच्छा, ए, तुलसी कौन है वो? तुलसी, तुमने जो किया वो बहुत ही खतरनाक काम है। उन मरे हुए लोगों की आत्माएं बहुत क्रोध में है। तो अब मैं क्या करूं सर? तुम हो या फिर तुम्हारे वो आदमी क्यों ना हो, ये जान लो अगर उन आत्माओं ने नाम भी सुना तो वो भड़क जाएंगी। मैंने जो वहाँ गाड़ कर रखा है ग्लास पिरामिड और नींबू, ये सब अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। तो फिर सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या सर? अगर इन आत्माओं को हमेशा के लिए शांत करवाना चाहते हो तो तुम्हें मर्क्यूरी लाइम स्टोन लाने पड़ेंगे। अगर घर के चारों तरफ उन्हें गाड़ कर रखा तो हमेशा के लिए शांत हो सकते हैं, लेकिन वैसी मर्क्यूरी लाइम स्टोन्स आजकल कहीं मिलती नहीं है। देखो अगर कहीं म्यूजियम्स वगैरह में मिल जाए। लेकिन सर आपने जो पत्थर उस घर में गाड़े थे उसका असर कब तक रहेगा सर? ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल तक। तब तक उन आत्माओं को अगर शांति नहीं मिली तो उनसे बचा पाना तुम्हें मुश्किल है। सर अगर वो पत्थर मिल गया तो आत्माओं को मिटाया जा सकता है क्या? आत्माएं मिटाई नहीं जाती, शांत की जा सकती है। ऐसे स्टोन्स आज भी होते हैं सर? होते हैं, यहाँ इंडिया में नहीं, इजिप्ट, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड जैसी कंट्रीज में। वहाँ मूर्तियाँ बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। रंगराजन की बॉडी में बुलेट के निशान हैं और उसके नाती की हत्या गला काट कर की गई है। भूतपूर्व एसीपी रंगराजन की हत्या में मुख्य आरोपी उनकी बेटी ही है और उनके रिश्तेदार सुरेश को भी पुलिस इस केस के सिलसिले में ढूंढ रही है। देखा जाए तो ये एक प्रेम प्रपंच का मामला नजर आ रहा है। पुलिस का मानना है कि तुलसी और सुरेश में नाजायज संबंध थे। मुझे मार देगा तो कहानी खत्म हो जाएगी क्या? बेवकूफ 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 है तो। सारी प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से है। हाँ, प्रॉब्लम है या बैड लक है समझ में नहीं आ रहा। तू तो मुझे अच्छी तरह से जानता है ना। हाँ? तुझे यहीं खत्म करके केस क्लोज कर दूं क्या? क्यों डर गया क्या? डर मत तुझे नहीं मारूंगा क्योंकि तुझे मेरी मदद करनी है। क्या करना है? करना नहीं है, करना पड़ेगा। मैं जिस गैंग के बारे में बता रहा हूँ उस गैंग में तुझे शामिल होना होगा। वो लोग जो चीज चुराने वाले हैं वो सारी चीजें मेरे हाथों में सौंपने की जिम्मेदारी तेरी होगी। राज भाई थॉमस, मुझे कुछ नहीं मालूम थॉमस, ये शिवा का बच्चा ही सारे प्लान बनाता है। राज भाई, कोरल कहाँ गया? कोरल कहाँ गया? मुझे क्या मालूम कहाँ है। अरे अब तो वो बोलने लगा है, बिक्री करने लगा है लोगों की। मुझे क्या मालूम कहाँ गया। ये सब क्या है राज भाई? अच्छा ये बहुत पहले राम से ब्रदर्स की फिल्म देख रहा था, वहाँ पर लीक हुआ था, उसके बाद दोबारा आज जाकर के लीक हुआ है। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और खास करके लेडीज को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। इसका मूड क्यों बदला दिख रहा है? सेम प्रॉब्लम हो गई क्या? राज भाई बाहर कुछ आवाज आ रही है। पहले यहाँ से निकलना होगा। चलो। पर कोरल। अरे कोरल को होने तो कोरल, उसकी आवाज वापस आ गई है, वो किसी से भी रास्ता पूछ करके बाहर आ जाएगा। जब हम लोग बचेंगे तभी हम उसे बचा सकते हैं। बातें मत करो, जल्दी चलो यहाँ से। खोलो इसे। क्यों नहीं खुल रहा है? अरे बाप रे, कहाँ फंस गए हम लोग। आज हम सबकी जिंदगी लगता है यही खत्म हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अरे शिवा से क्या पूछ रही हो? तुम्हें तो पता है ना इन सब का कारण शिवा ही है। क्यों बे इतने लंबे हो गए हो लेकिन तेरे पास बुद्धि बिल्कुल ही नहीं है। इस भूत बंगले में लाके हम लोग को क्यों फंसा दिया? राज भाई इज्जत से बात करना। तू बहुत तुरम खाए क्या? तूने मुझे मारा ना? अरे तेरे ऊपर मैंने इतने एहसान किए। अगर तू मर्द है तो मुझसे आके लड़। आजा। ऊपर एक बालकनी है, हम वहां से जा सकते हैं। चलो चलते हैं। Hey, तुम लोग यहाँ से भाग रहे हो लेकिन मुझसे नहीं भाग सकते। जाओ कहाँ जाओगे? मैं तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा कभी। अरे उनका पीछा बाद में करूंगा, पहले इससे पीछा छुड़ाऊं। अरे मैं भी आ रहा हूँ। अरे रुको। अरे बाप रे, यहाँ का भूत पक्का वॉचमैन होगा, सारे दरवाजे बंद। बाप रे क्या हो रहा है ये सब? टूटा हुआ ग्लास आपस में जुड़ने लगा है। तुम हो, तुम्हें यहां आने से मना किया था ना मैंने, फिर यहां क्यों आए हो? सर आपने जो कहा था वो स्टोन मैंने ढूंढ लिया सर। वो स्टोन मिल गया तुम्हें? ठीक है, वो स्टोन मुझे दो और यहां से जाओ। सर वो स्टोन भी उसी घर के अंदर है। स्टोन अंदर कैसे गया वहां? सर वो मेरे कुछ दोस्त हैं जो स्टोन्स के अंदर जाने की वजह हैं तुम्हारे कर्म थॉमस। क्या अब मुझे क्या करना है ये बताओ। आप ही बताइए ना सर, वो स्टोन तो चाहिए ही होगा। वो बहुत मुश्किल काम है, तुमसे नहीं होगा। नहीं सर, वो मेरे फ्रेंड्स के लिए भी। इसे अपने साथ ले जाओ। नींबू? क्यों? एक नींबू ही लेकर जाने को कह रहा हूं ना तुम्हें वहां पर। इसमें पास्ट एनर्जी को गेन करके रखा हुआ है। ये जब तक है कोई भी स्पिरिट काम नहीं कर पाएगी। उस तरफ है नेगेटिव और ये पॉजिटिव एब्जॉर्ब करेगी। इसका पावर कम होने से पहले तुम्हें बाहर आना होगा। इसका पावर खत्म होने पे लेकिन मैं कैसे समझ पाऊंगा? नींबू जब अंदर चला जाएगा तो डिहाइड्रेशन शुरू होगा और ये काला हो जाएगा। नींबू का पूरा छिलका काला होने से पहले तुम्हें बाहर आना होगा। अगर ये पूरा काला हो गया तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है सर। हाँ। शिवा, यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? इसके बाद क्या कर सकता है? जो था वो तो कर लिया ना। अगर थॉमस से मिल जाते तो डायमंड, नहीं तो डायमंड का डब्बा तो मिल जाता। यहाँ तो जिंदगी खतरे में आ गई है। इतने टेंशन के बावजूद इन दोनों के बीच में रोमांस कैसे हो रहा है? शिवा, उस रूम में कोरल का फोन रखा हुआ है, उसे रिपेयर करके देखें क्या? मरी हुई बॉडी तो पता नहीं कहाँ चली गई। टूटा हुआ फोन लेकर के हम लोग क्या कर पाएंगे? नहीं, ऐसे कह रहा था राज भाई। सॉरी, मैं जाकर देखती हूँ। शिवा, मेरी बात को गलत मत समझना। ये फोन ठीक होने के बाद थॉमस को फोन करेंगे, ओला उबर या कोई टैक्सी बुलाकर यहाँ से बचकर निकल जाएंगे हम लोग। फोकट का एक्सप्रेशन दिखाया जा रहा है, पता नहीं गुस्से में है या परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरी तो। रिया, you want any help? आपको इसके बारे में कुछ मालूम है? इसका सॉफ्टवेयर अंडरवेयर की तरह है ना? एंड्रॉइड। नेम चेंज कर दिया लगता है। चिंग चोंग जाने के बाद कंपनी का सब कुछ बदल गया लगता है। ऐसे ही होता है सब। हाँ? अरे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, हाँ, हाँ। अरे क्या करने वाली हो मेरे साथ? हाँ, सुनो सुनो सुनो। हाँ, नहीं 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 नहीं। तुम्हें ये चाहिए था रिया? नेपाली? अरे हाँ, लेकिन इसमें कैसे आया? शिवा, हाँ? ये देखो, ये घर, थॉमस, नेपाली, इन सब का कोई कनेक्शन लिंक है। अगर मेरी गेसिंग सही है तो थॉमस अभी यहाँ आएगा। अभी तक हुआ नहीं क्या? लगता है मुझे ही सब आगे करना पड़ेगा। ए, पगार तो तुझे टाइम पे चाहिए, लेकिन काम करने में इतना ढीला क्यों? तुझे क्या पेंशन चाहिए जो इतना लंबा जीना चाहता है? हा? सुन, आखिरी बार बता रहा हूँ। नहीं थॉमस, तुमने इतनी अच्छी लड़की पैदा की है, इसके लिए थैंक्स। उसे कुछ मत करना। नेपाली, तुम्हें भी थैंक्स बोलता हूं। थॉमस, थॉमस। ए, इसे डिस्पोज करके आ जा। हाँ भाई, तुलसी उसकी बॉडी को वहीं रहने दे। ले जा इसे। ए, चलो उठा। पुलिस आई है क्या? नहीं थॉमस, मारे जाएंगे। थॉमस किसी को छोड़ने वाला नहीं है। पता है क्या लेकर आया है वो? क्या? रिवॉल्वर लेकर आया है। क्यों शिवा, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है? मुझे तो लगता है कि वो थॉमस भी मर गया। शिवा! हाँ? यही सोच रहा था। ये थॉमस तो भूतों का भी भूत है, पता नहीं हम लोग के साथ क्या करने वाला है। ए, शिवा कहाँ छिपा है तू? अरे बाप रे, इस थॉमस से कैसे जान बचेगी। कौन है वहां? कहाँ है तू? शिवा तुम ही हो ना? शराफत से बाहर आ जाओ। ए शिवा तू ही है ना? जानता हूं मैं। गोली की आवाज राज भाई, उसने शिवा को मार दिया राज भाई। रिया अब इस सिचुएशन को मैं हैंडल करता हूँ। राज भाई आई विल बी बैक, आई विल बी बैक। राज भाई मत जाओ राज भाई। रिया लाइट जला दो। शिवा मुझे कुछ मत करना, मुझे सिर्फ वो स्टोन चाहिए, सिर्फ वो मुझे दे दे, मेरी जिंदगी उसी में है, प्लीज यार। तेरी जिंदगी उन स्टोन्स में नहीं, इस गन में है। छोड़ दो मुझे प्लीज यार। मुझे देखकर चौंक गया ना, वो भी इस तेज धार चाकू के साथ। इस समय तो थॉमस नहीं सैंडविच हो गया है, पीछे गन आगे चाकू। अब तू क्या करेगा? जो करेंगे अपन करेंगे। एक काम करते हैं, मामला सेटल कर लेते हैं। मैं तो बस ऐसे डायलॉग मार रहा था तुम्हारे सामने। शिवा प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। क्या कहा तूने? मेरी जिंदगी तेरे गन में है, तू मेरे सामने छोटा बच्चा है। अगर वो स्टोन अभी मुझे नहीं दिया तो इसकी गर्दन पर मैं ऐसा वार करूंगा कि पुलिस ऑफिसर। वो तो छोटा बच्चा है, मैं तो तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, मुझे छोड़ दो। नेपाली, नेपाली क्या किया तुम लोगों ने? हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया। थॉमस महमूद की लुंगी पहनकर प्रेम चोपड़ा जैसा एक आदमी आया था, उसी ने इसे मारा है। थॉमस इसका पैर भी तोड़ा है, हमने कुछ नहीं किया है। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे दरवाजा, अरे भगवान दरवाजा खोल दे, अरे भगवान मेरी जान बचा ले, अरे भगवान दरवाजा खुल जा, अरे खुल जा। कहाँ भाग रहा है? रुक। अरे क्या दरवाजा, अरे खुल जा। खुला। अरे शिवा दरवाजा खोल। बार बार दरवाजा बंद करके बच जाओगे क्या? खोल, स्टोन चाहिए मुझे। शिवा तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। ओके। शिवा, शिवा कितनी बार बोलूं दरवाजा खोलने को? चुपचाप दरवाजा खोल दे। थॉमस भाई नेपाली? हे नेपाली, मजाक मत कर। टाइम नहीं है मेरे पास, पहले से ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तू परेशान मत कर मुझे। ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे। राज भाई, अरे जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी चलो, निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी करो, कोड़ू जल्दी आ, जल्दी कर, जल्दी। मुझे छोड़ दो। जय माँ चंडी काली चामुंडेश्वरी। राज भाई, लेग पीस खाओगे? लेग पीस है क्या? लेग पीस तुम्हें जचेगी, मुझे सिंगल पीस रहने दो। एक बात कहूँ सर, ये नींबू माला पहन के आप एकदम साधु के जैसे दिखाई दे रहे हैं सर। तुम्हें तो सिर्फ मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मैंने तो वो देखा है जिसे देखकर बड़े बड़े लोगों को नींबू पानी पीने की जरूरत पड़ जाती है। इस नींबू की वजह से यहाँ बैठकर पानी पी रहे, वरना कब्रिस्तान में पड़े होते। तू जा भाई यहाँ से जा, जो ऑर्डर दिया है जाके लेके आ जा। शिवा, डील खत्म कर। आजकल के लड़कों में कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई भी काम ठीक से नहीं करते। कहाँ बोला था रखने के लिए और कहाँ रखकर आए थे ये पेटी। बराबर है। कोरल कहाँ है? कोरल, आप पता नहीं कहाँ है, मैं देख कर आता हूँ।